हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ फ्राइड मैगी के परफेक्ट रेसिपी। मसाला मैगी आप कैसे बना सकते हो बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम सामग्री में परफेक्ट मैगी बना के तैयार करेंगे इस तरीके से एकदम खिली खिली हुई। आप हमारा स्टेप को फॉलो करते जाए फ्रेंड्स, आपका मैगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। हमने यहाँ कुछ हरी सब्जियाँ बारीक काट लिया है, एक टमाटर, एक शिमला मिर्च, एक गाजर, दो हरी मिर्च, 50 ग्राम हमने हरे मटर लिया है और 4 से 5 हमने कड़ी पत्ता लिया। हमने 2 ₹10 वाला मैगी के पैकेट लिए हैं और यहाँ पे हमने गैस में पैन को गर्म होने के लिए चढ़ा रखा है। इसमें हम 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। जब पानी में अच्छे से उबाल आ जाएगी इसमें हम मैगी को तोड़ के डाल देंगे। हमें मैगी को ओवर कुक नहीं करनी है फ्रेंड्स, मात्र 70-80% ही कुक करनी है। जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगी इसमें हम 1 टीस्पून तेल ऐड करेंगे ताकि हमारा मैगी चिपके ना। अब हम यहाँ पे गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और एक छन्ने में हम छान लेंगे मैगी को और यहाँ पे हम ठंडे पानी मैगी के ऊपर डाल देंगे ताकि हमारा मैगी ओवर कुक ना हो जाए और चिपकी ना, एकदम परफेक्ट खिला खिला इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगा आपका मैगी। अब चलिए हम सारी सब्जियों को पका लेंगे। यहाँ पे हम 1 चम्मच सरसों तेल ऐड करेंगे। आप जो भी तेल खाते हो वो डाल सकते हो। जब हमारा तेल अच्छे से हीट हो जाएगा यहीं पे हम 1 टीस्पून खड़ा जीरा ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसमें हींग भी ऐड कर सकते हो। जब हमारा जीरा अच्छे से चटक जाएगा यहीं पे हम बारीक काटी हुई हरी मिर्च और प्याज को ऐड करेंगे। प्याज को हमको हल्का ब्राउन होने तक भून लेना फ्रेंड्स। इसका जब कलर हल्का सुनहरा चेंज हो जाएगा तब तक हमें भूनना है। गैस के फ्लेम को यहाँ पे हम मीडियम कर देंगे। हमारा प्याज हल्का सुनहरा कलर चेंज हो गया, यहीं पे हम 3 से 4 कड़ी पत्ते ऐड करेंगे। आप कड़ी का पत्ता ज़रूर डालें, इससे हमारा मैगी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। यहाँ पे हम सारे सब्जियों को एक ही साथ डाल देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस के फ्लेम को यहाँ पर हम मीडियम रखेंगे। यहाँ पर हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। नमक कम ही ऐड करना फ्रेंड्स, क्योंकि मैगी मसाला में ऑलरेडी नमक रहती है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखनी है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हम गैस के फ्लेम को मीडियम किए थे तो अब हम लो कर देंगे। इसको हम ढक देंगे 4 से 5 मिनट के लिए ताकि हमारी सब्जियाँ परफेक्ट सॉफ्ट हो जाए। 4 से 5 मिनट हो गया, हम ढक्कन निकालेंगे। देखिए हमारी सब्जी परफेक्ट सॉफ्ट हो गई है। अब इस तरीके से हमारा स्टेप को फॉलो करते जाए फ्रेंड्स, आपका मैगी बहुत ही सुपर टेस्टी बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हम 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हम मिक्स हमने मसाला पाउडर ऐड किया है जीरा का और काले मिर्च का। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हम मैगी के पैकेट वाला मसाला ऐड करेंगे। इसमें हम डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस के फ्लेम को आपको यहाँ लो रखनी है फ्रेंड्स, नहीं तो आपके मसाले जल सकते हैं। इसमें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम 1 चम्मच पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाला सब्जियों के अंदर एकदम परफेक्ट मिक्स हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे गैस के फ्लेम को लो कर देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि मसाले सब्जियों में अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए 4 से 5 मिनट हो गया, देखिए मेरी सब्जियों में मसाला अच्छे से परफेक्ट मिक्स हो गया। यहीं पे हम कलर के लिए 1 टीस्पून हमने काश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है, ये एडिशनल है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हम मैगी को ऐड कर देंगे जो हमने छान के रखा था। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस के फ्लेम को यहाँ पर हम लो करेंगे ताकि हमारा मैगी चिपके ना कढ़ाई में। अब यहाँ पे हम 1-2 स्पून लेंगे, जिस तरीके से होटल और रेस्टोरेंट में नूडल्स को मिलाते हैं उस तरीके से हम इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इस तरीके से मिक्स करिएगा तो सारे मसाले और सब्जियाँ परफेक्ट एकदम मैगी में मिक्स हो जाती है और मैगी खाने में बहुत ही सुपर टेस्टी लगती है। आप इस तरीके से हमारे स्टेप को फॉलो करते जाइए। अब इस तरीके से हम इसको स्पून की सहायता से, आप चाहे तो कांटे वाले चम्मच की सहायता से भी इस तरीके से आप मिक्स कर सकते हो या आप करछी से भी कर सकते हो, पर करछी से उतने परफेक्ट नहीं होती है जितने स्पून से होती है। देखिए हमारा मैगी परफेक्ट बन चुकी है, एकदम खिली खिली हुई इस तरीके से आपको। चलिए मैं सब करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स कि हमारा मैगी कितनी ज़्यादा सुपर टेस्टी बन के तैयार हो गई है। आप इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाने का ट्राई करिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हो जाएगी। अगर आपको इस तरीके से मैगी खाना पसंद है तो आप ज़रूर बनाइएगा। मैगी हमारे सेहत के लिए हेल्दी नहीं है, बट बच्चे खाने के लिए जिद करते हैं। आप इस तरीके से कुछ हरी सब्जियाँ डाल के मैगी को एकदम सुपर हेल्दी बनाइए और खाइए और अपने फैमिली मेम्बर और बच्चों को खिलाइए। आपको अगर मैं मैगी की रेसिपी अच्छी लगे फ्रेंड्स तो हमारे वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलते रहे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।